मेरे YouTube चैनल के साथ जुड़े हुए आप सब और मेरे विद्यार्थियों को मेरा सादर नमस्कार। थैंक यू 21 प्लस सब्सक्राइबर। इस वीडियो के माध्यम से मैं हिंदी विषय के प्रति मेरी रुचि के बारे में आपको अवगत कराऊंगी और मैं आप सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि मेरे चैनल से आप जुड़े और मेरा उत्साहवर्धन किया और मैं निरंतर आपकी उम्मीदों पर खरी उतर सकूँ, यही मैं आपसे उम्मीद करती हूँ कि आप मुझसे अपना प्रेम इसी तरह से बनाए रखेंगे। जैसे ही लॉकडाउन हुआ, COVID-19 की जो महामारी से पूरा विश्व ग्रसित था, तभी से ही मेरा ऑनलाइन पढ़ाने का यह सिलसिला शुरू हुआ और उस समय मुझे बस एक ही चिंता थी कि मेरे विद्यार्थियों का, मेरे छात्रों का शिक्षा के प्रति जो लगन है, लगाव है, मैं उसे कैसे पूरा कर सकूँ, निभा सकूँ, उन्हें अपना विषय पढ़ने में किस तरह से मदद कर सकूँ। और फिर मैंने ऑनलाइन लर्निंग शुरू की, अपने आप को कोशिश की कि जितना मैं सीख सकती हूँ और किसी भी माध्यम से मैं अपने छात्रों तक, विद्यार्थियों तक अपनी बात पहुँचा सकूँ, उनको उनका पूरा सिलेबस करवा सकूँ, उनको उनका पाठ्यक्रम अच्छे से समझा सकूँ सरलतम भाषा में, और जितना हो सके उन्हें यह महसूस करवा सकूँ कि मैं, वो मेरे पास ही हैं, मैं उनके पास ही हूँ और उन्हें पढ़ा रही हूँ। और इस जर्नी में मैंने बहुत कुछ नया खुद ने भी सीखा और ई लर्निंग मतलब ऑनलाइन पढ़ाने का एक जो अनुभव है, यह मुझे बड़ा ही रोमांचित करता है। और मैं अपने सभी छात्रों का, विद्यार्थियों का बड़े मन से धन्यवाद करना चाहती हूँ। थैंक यू ऑल, उन्होंने अपना प्रेम और विश्वास मेरे लिए बनाया। और एक शिक्षक के लिए यह बहुत इम्पोर्टेंट होता है कि विद्यार्थी जो हैं उसका आदर करते हैं। आपने अपने प्रोत्साहन देने के लिए मुझे जो कमेंट्स किए, मैं उससे और इम्प्रूव करने की कोशिश कर रही हूँ, इसके लिए आपका हार्दिक धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं अब आपको अपने बारे में कुछ बताना चाहूँगी कि हिंदी भाषा और मैं किस तरह से एक दूसरे से बचपन से जुड़े हैं। मुझे हिंदी विषय में बहुत रुचि थी, जब छोटी थी तो भी मैं क्लास में भी और भी अपने आप से लिखना, अच्छे से पढ़ना, हिंदी विषय के बारे में एक एक जो मेरा पाठ्यक्रम था उसको बड़े मन से पढ़ा करती थी। और मैंने इसके बाद लगभग BA में थी तो एक बार मेरी पढ़ाई में विवाह के कारण ब्रेक आ गया था और लगभग 9-10 साल के बाद मैंने दोबारा हिंदी में अपनी शिक्षा आरंभ की, उच्च शिक्षा। मैंने MA, MPhil, UGC, NET, PhD आदि किया। अब मैं जो मेरी भविष्य की है मैं डिलीट भी करना चाहती हूँ और उसके बारे में भी अपनी एक प्रयास कर रही हूँ। उसके साथ साथ मैंने फिर लगभग 2006 से जुलाई 2006 से महाविद्यालय में शिक्षक के रूप में अपनी एक, आप कह सकते हैं, पहचान बनाई है, अपना कार्य शुरू किया है। 15 वर्ष लगभग मुझे हो गए हैं एक शिक्षक, हिंदी शिक्षक के रूप में कार्य करते हुए। और वर्तमान समय में मैं वैश्य PG महाविद्यालय रोहतक के हिंदी विभाग की विभागाध्यक्ष हूँ। और मुझे जो भक्तिकालीन साहित्य है उसका गहराई से अध्ययन करने का बाल्यावस्था से मौका मिला है, जैसे रामायण है, गीता है, श्रीमद् भागवत है, इसके अलावा शिव पुराण है, कई पुराण आदि। मैंने भक्तिकालीन साहित्य जैसे कबीरदास है, सूरदास है, मीराबाई है, इन सबको बहुत पढ़ा है, गहराई से अध्ययन किया है। मुझे अध्यात्म में बचपन से रुचि थी, इस कारण मैंने इनको पढ़ा और अब जब ये मेरे विषय से जुड़ गए हैं तो मेरी इसमें रुचि बढ़ती चली गई। मेरे को वैसे भी हिंदी साहित्य में स्पेशलाइजेशन है, मुझे हिंदी साहित्य पढ़ना और पढ़ाना दोनों ही बहुत अच्छे लगते हैं। मैं एक जिज्ञासु लेखिका और कवित्री हूँ। लगभग आप हम कह सकते हैं कि 14-15 साल पहले मैंने एक कविता लिखी थी पर्यावरण विषय पर और उस वक्त मेरी वह कविता कई जगह सराही गई। फिर मैं उसके बाद से ही रोहतक रेडियो से जुड़ी, मैं वहाँ पर अपनी स्वरचित कविताएँ, कहानियाँ, वाद विवाद, अन्य टोक आदि में एज गेस्ट शिरकत करती रहती हूँ। मैंने CBSE सिलेबस के आधारित अपने कुछ ग्रामर, हिंदी ग्रामर की बुक्स भी लिखी हैं, अपने मेरी कहानियों, कविताओं आदि की बुक भी लिखी हैं, न्यूज़पेपर, मैगजीन आदि, इन सब से मैं जुड़ी हुई हूँ। मेरा जो मुख्य विषय रहता है वो सोशल ही रहता है, सामाजिक ही रहता है और मैं समाज से जुड़ी हुई समस्याओं के बारे में सकारात्मक लेखन में विश्वास रखती हूँ कि जो समस्याएं हैं उनके बारे में तो हम सब जानते ही हैं पर उनका समाधान कैसे प्रस्तुत किया जा सकता है
और बहुत सी अभिव्यक्तियों में, आप कह सकते हैं संगोष्ठियों में, इसके अलावा जैसे नेशनल इंटरनेशनल संगोष्ठियाँ हैं, कोई जैसे शहर में कोई संगोष्ठी होनी है कोई खास विषयों पर है, तो मैं उसमें अपना प्रयास करती हूँ कि मैं भी अपनी भागीदारी दर्ज कर सकूँ। इस तरह से मैं निरंतर जो है हिंदी विषय से, हिंदी लेखन से, हिंदी शिक्षण से जुड़ी हुई हूँ। अब YouTube चैनल के माध्यम से ऑनलाइन शिक्षा जो है, यह मेरा एक नया और बहुत ही रोमांचक अनुभव है, और मैं चाहती हूँ कि मैं इस अनुभव को और आगे बढ़ाती रहूँ। आप सभी ने जो मेरा उत्साहवर्धन किया है, मुझे सराहा है, मुझसे जुड़े हैं, अपना प्रेम निरंतर बनाए रखेंगे, मैं हमेशा इस बात की उम्मीद रखती हूँ। और इसके साथ साथ आप सब जानते हैं कि चाहे हम कितना ही परफेक्ट ये करें, सुधार की गुंजाइश हमेशा बनी रहती है, और मैं भी यह चाहती हूँ कि मैं निरंतर अपने आप में कुछ नया जोड़ सकूँ। तो इसलिए मुझे आपकी राय का, आपके सुझावों का, इसके अतिरिक्त अगर यदि आपको लगता है कि मैं कुछ अपने अंदर और सकारात्मक परिवर्तन कर सकती हूँ, तो मुझे सदैव इंतजार रहता है। आप कमेंट सेक्शन में जा करके कमेंट करते रहिए, निरंतर मेरे साथ जुड़े रहिए और मेरा उत्साहवर्धन करते रहिए। धन्यवाद, नमस्कार।